तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर का कमेंट था कि जो पिछली वीडियो मैंने डाली है आर की उसमें हमें आर ओ के कनेक्शन ठीक से समझ में नहीं आए तो आप लोगों की डिमांड पे आज मैं आर की फुल असेंबली लेकर आया हूँ तो इसमें वीडियो को ध्यान से देखना पूरा एंड तक तो इसमें कैसे एल लगाएंगे कैसे फिल्टर लगाएंगे कनेक्शन कैसे करेंगे पंप के अडाप्टर के एस के और जो भी है सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें हमने पंप लगा रखा है पंप और एस दोनों लगा रखी है पंप के और एस के दोनों वायर हमने आपस में इन दोनों को पैरलली कनेक्ट कर दिया है ये दो एस के वायर हैं और ये दो पंप के वायर हैं ठीक है बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना ठीक से समझ जाओगे तो ये वायर हमने दोनों एस और पंप के पैरलली कनेक्ट कर दिए हैं और ये देखिए यहाँ पर जो बल घट लगा हुआ है नीचे जो बाहर से आर में पानी इन आता है वो यहाँ पर एक पाइप लगेगा और इधर जाके यहाँ एक सेडिमेंट के इन में लगेगा ठीक है तो मैं सेडिमेंट आपको दिखाता हूँ ये देखिए सेडिमेंट फिल्टर है ये देखिए सेडिमेंट लिखा हुआ है और इसमें जो है ना एरो होता है हर फिल्टर में एरो बना होता है इन और आउट का ठीक है जिधर की साइड बाहर की साइड तीर होगा तो उधर आउट और दूसरी साइड इन तो इसका इन इधर है जो पाइप आएगा वो इधर इन में लगेगा बाहर से ठीक है अभी हमें इसमें एल लगाना है तो एल को हम इस तरीके से कुछ सेटअप कर लेते हैं हमको एल को इन वाली लाइन में बाहर से जो इन आ रही है उस लाइन में लगा देना है कहीं पर भी ठीक है मैंने इसको यहाँ पर लगाया ताकि ये फिल्टर्स के पीछे छुप जाए दिखाई ना दे इस तरीके से टी लगा के इसको बीच में लगा देना है तो इस पाइप को मैं जो बाहर से इन आ रहा है उसमें लगा देता हूँ ये हमारी इन वाली लाइन है ठीक है इन वाली लाइन हो गई है ध्यान से देखना दोस्तों वीडियो और इसमें हम लॉक लगा देते हैं मैं लॉक जरूर लगाता हूँ लॉक लगाने से क्या होता है पाइप खुद से नहीं निकलता है तो ये पाइप हमारा लग गया एल वाला जो बाहर की इन लाइन है ठीक है पानी जहाँ से आएगा तो इसमें जो पाइप ये एस का मैंने लगा रखा है पंप में इन में उसके नीचे से मैं लगा लेता हूँ निकाल लेता हूँ इसको ताकि पाइप में उलझन ना हो ठीक है इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर अभी छोड़ दिया तो अभी मैं लगाता हूँ सेडिमेंट देखिए सेडिमेंट लगाऊंगा मैं यहाँ नीचे वाले क्लैंप में ठीक है इन आउट देख के इन इसका इधर है तो जिधर बाहर से इनकी लाइन आ रही है उसको उधर की साइड रखेंगे ठीक है ये मैंने लगा दिया अब ये जो बाहर से लाइन आई है जो एल में होकर वो पाइप पा आ रहा है ना वो इसके इन में लगा देना सेडिमेंट के इन में ध्यान से समझना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है बस आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा और यहाँ पर भी लॉक लगा देना है बाहर से जो लाइन आई वो सीधा सेडिमेंट फिल्टर में हमने लगा दिया अब यहाँ पर आएगा कार्बन तो हम कार्बन भी लगा लेते हैं ये देखिए कार्बन में भी इन आउट होता है ये एरो बना होता है तो इधर की साइड बना हुआ है तो इसकी इधर साइड इसका आउट है और इधर इन है ठीक है अब इसमें से जो आउट निकलेगा वो कार्बन के इन में जाएगा ठीक है ये इधर इन है ये आउट है सेडिमेंट का तो सेडिमेंट का आउट कार्बन के इन में जाएगा तो इसको भी हम ऊपर वाले क्लिप में लगा देते हैं और एक छोटा सा पाइप के जरिए दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से तो ये सेडिमेंट का आउट हो गया कार्बन का इन हो गया ठीक है समझ गए यहाँ तक और लॉक लगाते चलना है ठीक है लॉक मैं तो ज़रूर लगाता हूँ तो यहाँ पर हो गया अब यहाँ पर आउट जो निकला कार्बन से पानी वो जो हमने एस वी लगा रखी है जो एस वी का पाइप पंप के इन में जा रहा है दूसरा वाला ये पंप के इन में यहाँ पर जा रहा है ठीक है ये सीधा है एस वी में आया अब एस वी से आके सीधा पंप में चला जा जाएगा पंप के इन में और ये जो कार्बन से आउट निकला वो एस वी वाले पाइप में हमको लगा देना है ठीक है तो ये पानी के आधे कनेक्शन हो चुके हैं अब यहाँ से मैं आपको वायर के कनेक्शन कैसे करने वो मैं बताता हूँ क्योंकि आगे मैं पाइपिंग कर दूंगा फिर आपको वायर ठीक से समझ में नहीं आएगा यहाँ से देखिए पानी ऐसे जाएगा और ऐसे होता हुआ एस में होता हुआ पंप तक आ गया ठीक है अब पंप इसको आगे बूस्ट करके ये आउट है और आगे मैम्बरन तक भेजेगा आगे के कनेक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा तो यहाँ पर कनेक्शन आप ध्यान से देख लो ये जो एस के हमने और पम्प के दोनों आपस में पैरलली कनेक्ट कर रखे हैं ना ये देखिए दोनों अभी इसमें क्या करना है हमें जो एडाप्टर के जो एस एम पी एस होता है एस एम पी एस या एडाप्टर जो भी बोलो आप जो चौबीस वोल्ट डी सी होता है उसके वायर हमें इसमें एक वायर इन दोनों के एक वायर में कनेक्ट कर देना है ठीक है पंप के और एस वी के वायर में ये देखिए इस तरीके से मैंने एक वायर एस एम पी एस का पंप और एस वी के एक वायर में मैंने कनेक्ट कर दिया और उस पर मैं लगा देता हूँ टेप ठीक है दोस्तों ध्यान से देखना आप समझ जाओगे बहुत ध्यान से देखना बस इसकी मत करना वीडियो वीडियो अगर पसंद आए तो पूरा शेयर करना लाइक करना और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि थोड़ी सपोर्ट हो मेरी तो ये एक वायर में हमने लगा दिया ठीक है ये है हमारा फ्लोड वाल का नीचे और ये है हमारा एलपीएस का वायर ठीक है तो एलपीएस और फ्लोड वाल का वायर कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ ये एल का है माइक्रो स्विच इसमें वायर लगे हुए हैं इस तरीके से ये देखिए इसको ऐसे पुश करते हैं तो यहाँ पर ये सही से फिक्स हो जाता है बैठ जाता है तो दो वायर इसके हो गए और दो वायर एल के हो गए और दो वायर फ्लोड वाल के हो गए ठीक है अभी इन दोनों का एक एक वायर हम सीरीज में बना देंगे आपस में इन दोनों का एक एक वायर हम आपस में कनेक्ट करके सीरीज बना देंगे और इस पर भी टेप लगा देते हैं ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और आपको समझ ना है तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं मैं आपके सवालों के सबके जवाब देता हूँ अब ये देखिए इधर से हमने इस दोनों का एक एक वायर आपस में कनेक्ट कर दिया एल का और फ्लोड वाल का ठीक है समझ गए अभी एक जो हमें एस एम का जो एक वायर बचा है ठीक है एक तो हमने पंप और एस वाले में लगा दिया डायरेक्ट दूसरा जो बचा है वो एल वाले वायर में हमको लगा देना है एक सिंगल वायर में इसको सीरीज में बनाना है ठीक है समझ रहे हो दोस्तों यहाँ से देखो ये जाएगा एल में होता हुआ और इधर फ्लोट वाल से बाहर निकलेगा तो फ्लोट वाल से जब बाहर निकलेगा तो उस वायर को जो फ्लोट वाल का जो दूसरा वायर बचा है यहाँ से देखिए ये देखिए ये इधर से गया और ऐसे होता हुआ यहाँ आया इसके जो फ्लोट वाल से जो निकला वायर उसको हम वापस पंप और एस वाले दूसरे वायर में जोड़ देंगे यानी एक वायर से हमें उसको पूरी सीरीज बना देनी है एल की और फ्लोट वाल की और उस पर टेप लगा देना है हमें ठीक से ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों कनेक्शन मैंने कर दिए इस तरीके से सारे कनेक्शन होते हैं ये बहुत इजी है और आप भी ध्यान से कर सकते हैं बाद में इन वायर को ऐसे इकट्ठा करके या तो आप टेप मार सकते हैं या जिप टाई से इसको बांध के ऐसे अंदर की साइड रख दें अंदर की साइड कर दें ताकि वायर दिखाई ना दे दिखाई देगा तो वो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बस और तो कोई भी बात नहीं है तो इनको ऐसे पीछे की साइड कर देते हैं ठीक है कनेक्शन समझ में आ गए होंगे दोस्तों आपको अब इसका आगे का हम काम करेंगे ये देखिए ये मैंने ए, एफ़ आर एल जो एफ आर होता है ना एफ आर फ्लोर रिय रिजेक्टर उसको मैंने लगा रखा है और वो वहाँ तक सीधा पानी बाहर वाले दूसरे वाले बल गाइड में लगाया हुआ है अब हम यहाँ पर मैम्रिन लगाएंगे देखिए मैमब्रिन का जो पहचान होती है ये जो नीचे की साइड होता है ना थोड़ा एल्बो इसमें प्योर पानी आता है बीच में जो होता है और ये जो होता है ये रिजेक्ट पानी का है ये थोड़ा ऊपर भी होता है और साइड में भी होता है ये इसकी पहचान है तो जो एफ आर वाला पाइप है वो बाहर वाले में लगा देते हैं हम और ये जो प्योर वाला बचा इसमें हम एक पाइप लगा लेते हैं आपको अभी दिखाने के लिए मैं लगा देता हूँ ये पाइप जाएगा आगे कहाँ पर ठीक है ये एक वायर पाइप चला गया बाहर एफ आर में जो रिजेक्ट वाला था और एक पाइप लगा दिया हमने प्योर वाला इधर बाहर निकाल लिया और इसको हम क्लैंप करके इस पर रोक देते हैं ठीक है ये देखिए इस तरीके से अभी ये प्योर वाला पानी है और रिजेक्ट वाला पीछे एफ से होके बाहर निकल गया तो अभी इस पाइप के जो प्योर में लगाया था इसकी हमें ज़रूरत है इसको निकाल लेते हैं तो देखिए ये पाइप हम लगाएंगे पंप के आउट में और यहाँ पर भी हम लॉक लगा देते हैं ठीक है ये पंप के आउट में लगाया और ये सीधा चला जाएगा मेम्रिन में इसको ऐसे स्टैंड में से होके इस तरीके से निकाल लें ताकि ये वाइब्रेशन करता है ये पाइप तो आवाज़ ना करे ठीक है यहाँ आउट से निकाल के सीधा मेम्ब्रेन में इसको डाल देते हैं और यहाँ पर भी लॉक लगा देते हैं यहाँ तो ज़रूरी है लॉक लगाना क्योंकि सारा प्रेशर इसी पाइप में आता है अब हमें क्या करना है देखो यहाँ पर क्या होता है अभी जो प्योर पानी होता है तो प्योर पानी की जगह पर कोई तो कार्बन uh, लगाता है पोस्ट कार्बन कोई ऐसा मिलल कार्ट्रिज लगाता है कोई यूबी लगाता है तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लगा लगा सकता है सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक है तो मैं इसको नीचे वाले फ़िल्टर में इसके क्लैम्प को लगाता हूँ ये क्लैम्प एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा है क्योंकि जो मिलल कार्ट्रिज है वो थोड़ा पतला है इसलिए तो देखिए ये इसमें भी इन आउट है इधर से इन है और उधर से आउट है तो प्योर पानी जो प्योर पानी वाला पाइप लगाया था मेम्ब्रेन में से वो इसमें आएगा ये ये पाइप जो हमने निकाला था उसकी जगह पे इसको लगा देंगे प्योर पानी में ये देखिए ये प्योर वाले एल्बो में जो इसमें से निकल रही है मेम्ब्रेन में प्योर पानी निकलेगा वो इसमें जो ये मिनरल कार्टेज है उसमें होता हुआ सीधा ऐसे नीचे टैंक में चला जाएगा तो ये आर के अभी पूरे कनेक्शन हो गए आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा ठीक है और अगर अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अपने अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर